नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है, जिसकी शुरुआत करेंगे मसूरी की एक बड़ी खबर के साथ। मसूरी के बीजेपी चुनाव कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन मोहन शर्मा ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर रणनीति बनाई गई। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर प्रचार प्रसार करने के साथ सभी बूथों को मजबूत बनाए जाने का आह्वान किया। वहीं मदन मोहन शर्मा और बीजेपी मंडल के महामंत्री कुशाल राणा ने बताया कि टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी की जीत की शुरुआत होती है। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। इस बार 400 पार के नारे के साथ बीजेपी की केंद्र में फिर से सरकार बनेगी। 400 पार तो आसानी से हो जाएंगे और हम किसी भी चुनाव को सामान्य रूप से नहीं लेते, चाहे हमें 99% वोट भी पड़ो, लेकिन हम उसको चुनौती के रूप में लेते हैं और आखिरी समय तक अपनी प्रत्याशी के लिए जी जान मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं। हमें पता है कि भाई मोदी लहर है, आज देश को विकसित भारत बनाने के लिए, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जनता जुड़ी हुई है। जनता अपनी मन से मोदी जी को वोट देना चाह रही है, लेकिन फिर भी हम उनके द्वार जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं कि मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। और ये चुनाव 400 पार के लक्ष्य को लेकर लड़ा जा रहा है और ये चुनाव पिछले चुनावों से भिन्न इसलिए है कि आम जनता पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल से मोदी जी से इतनी प्रभावित है कि मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ रहा है। तो जीत भी पिछली बार से ज़्यादा होगी और संख्या भी पिछली बार से ज़्यादा आएगी। इस बार मोदी जी ने जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां हासिल की हैं वो सब जनता की स्मृति में ताज़ी हैं और उन स्मृतियों, उन उपलब्धियों को भारत की जनता भूली नहीं है। इसलिए ये चुनाव बहुत सरल है, भले ही कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में हो, भले ही आम निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हो।